लॉगिन और साइन अप फीचर आप अपने ऐप में कैसे बिना कोडिंग के ऐड कर सकते हैं, ये आज हम कवर करेंगे फ्लटर फ्लो की मदद से। ठीक है, इस टूल का सेटअप हमने पिछले एपिसोड में किया था और फायरबेस में जो जो चीज़ें सेटअप में लगती है वो सारी चीज़ें हमने पिछले एपिसोड में कवर की थी। ठीक है, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में भी ड्रॉप कर दिए, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसी में ही बेसिक सेटअप हमने किए थे और एक लर्निंग ऐप हमने क्रिएट किए थे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एक चीज़, अगर आप मेरी फ्लटर सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिए है तो codesify.com पर आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें अभी तक फ्लटर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं उसकी हमारी टीम ने एक इंटरव्यू टेस्ट प्रिपेयर की है, वो आप दे सकते हैं और अपना इंटरव्यू स्कोर आप चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं codesify.com, उसमें आपको टॉप में मॉक टेस्ट का बटन दिखेगा, उस पर साइन अप करके आप टेस्ट को दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ कि इस चैनल पर आए और अपना नॉलेज मैं आप तक शेयर कर पाऊँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कैसे सेटअप करें, विद इन मिनट्स आपका ये काम हो जाता है विदाउट कोडिंग। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का ऐप हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी मैं साइन अप कर देता हूँ पहले। ठीक है, gmail.com और पासवर्ड मैं अपना एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि अकाउंट क्रिएट हुआ कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र्स का एक कलेक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि teamcodesify@gmail.com और यहाँ पे एक UID यहाँ पे आ चुका है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसी को ही मैं लॉगिन करके देखूंगा कि हो रहा है कि नहीं। codesify, ठीक है। अब साइन इन करने के बाद मैंने जो भी डिटेल्स थे हमारे ईमेल आईडी, मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया है अभी के लिए। बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलकम और जो भी यूज़र का नाम रहेगा वो हम लेंगे। ठीक है, पर अभी हमारे इसमें गूगल ऑथेंटिकेशन या कोई सोशल मीडिया ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो हमारे पास नेम नहीं है अवेलेबल, तो मैंने साइन अप में सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही दिया हुआ है। अगर वहाँ नेम देंगे तो नेम भी आ जाएगा, राइट। ठीक है, और यहाँ पे लॉग आउट फंक्शनैलिटी, ये वाला ऐप जो है ये हमने पिछले एपिसोड में क्रिएट किया था फ्लटर फ्लो में, जिसमें हमने ग्रिड व्यू के थ्रू ये जो नेक्स्ट इस पे एक वीडियो प्ले होता था, राइट, ये वाला ऐप हमने क्रिएट किया था पिछले एपिसोड में। अब आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि लॉगिन और साइन अप कैसे हम अपने ऐप में दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं ये पेज रिमूव कर देता हूँ अभी हमारे इसमें से और पूरा फ्रेश स्टार्ट से क्रिएट करता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये भी एक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है जिसमें हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐप का क्रिएट किया था फ्लटर फ्लो में और फायरबेस को भी हमने सेटअप किया था, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कार्ड में ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेजेस फोल्डर में यहाँ पे न्यू पेज हम ऐड करेंगे। हम जाएंगे ऑथ सेक्शन में, ऑथ नाम के टैब में हियर, और यहाँ से हम ये वाली थीम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन साइन अप पेज। यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे हमारा लॉगिन साइन अप। अब इसमें ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी दिए हुए है, पर अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बहुत ही बेसिक ऐप रखेंगे इसको साइन इन और साइन अप का। और यहाँ से हम विजेट ट्री में जाएंगे। ठीक है, ये फ्लटर फ्लो का जो लोगो है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, कंटेनर में एक टेक्स्ट विजेट ऐड कर दूँगा और यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा codesify, यहाँ राइट साइड में। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज़ और कलर हम सेट कर सकते हैं, तो प्राइमरी टेक्स्ट मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ और फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा जो ये एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट इशूज़, तो आपको यहाँ पे एक साइन अप टैब है पर वो दिख नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ से ये जो ऑथेंटिकेशन है इसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं की हुई है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से साइन अप से भी। ठीक है, अब हमारे इश्यूज आप देखेंगे तो कम हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ करना है, इस पर क्लिक करके मैक्सिमम लाइन्स को हम 1 कर देंगे।
तो इशू यहाँ पे एक सॉल्व हो गया, इसका भी इशू सॉल्व कर देंगे। मैक्सिमम लाइंस हम यहाँ पे वन कर देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक इशू क्या बचा है वो देख लेते हैं, एंट्री पेज स्पेसिफाइड, ठीक है। अब एंट्री पेज जो है हमारा वो स्पेसिफाइड नहीं है। यहाँ पे सेटिंग्स में आपको सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग्स में आना है, फिर फायरबेस में इधर ऑथेंटिकेशन ऐप सेटिंग्स में ऑथेंटिकेशन में एंट्री पेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम बोलेंगे लॉगिन साइनअप पेज, और जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हम उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक सेटअप, और हमारे सारे इश्यूज़ यहाँ से चले गए। अब इसका जो कलर है, मतलब एक सिलेक्ट हो रहा है तो दूसरा अनसिलेक्ट दिख रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके हम पहले सिलेक्टेड वाले का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कलर का कलर मैं येलो कर दूंगा, और जो अनसेट कलर है उसका कलर हम वाइट कर देंगे। तो जो भी सिलेक्टेड रहेगा वो येलो कलर में दिखेगा, और जो अनसिलेक्टेड रहेगा वो वाइट कलर में दिखेगा, सिंपल, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ सेट करना है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे क्रिएटेड है ये डेटाबेस से कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया था, अगर आपके इसमें ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं है तो आप उसको ऑथेंटिकेशन को यूज़र्स कलेक्शन में एनेबल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट अनसिलेक्टेड रहता है, आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ से आपको जो भी आपका कलेक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ये फ्लटर फ्लो हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है, बस इसको एनेबल करना होता है यहाँ से, ठीक है। ये एक चीज़ आपको करनी है, और स्कीमा आप देख सकते हैं यूज़र्स का, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्रिएटेड है इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट में। अगर आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये मैन्युअली क्रिएट करना पड़ सकता है चीज़ों को, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप। अब जब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक होगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो भी एंट्रीज यहाँ पे एडेड है ईमेल और पासवर्ड में, ये हमें कनेक्ट करना होगा इस डेटाबेस के फील्ड से, राइट, इन यूज़र्स से, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शंस में यहाँ पे ऑन टैप पे क्रिएट अकाउंट, ठीक है, यहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन आप टाइप करेंगे ना यहाँ पे, तो क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑथ प्रोवाइडर ईमेल पासवर्ड वाला करेंगे हम लोग, गूगल का नहीं करेंगे। और ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट फील्ड है ईमेल एड्रेस क्रिएट और पासवर्ड क्रिएट, ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड हो गई। और कलेक्शन हम यूज़ करेंगे यूज़र्स का, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिएट अकाउंट का सेटअप। वैसे ही साइन इन के लिए साइन इन पे जाएंगे, एक्शन में जाएंगे, और ऑन टैप पे ऑथ लॉगिन करेंगे, ठीक है। ऑथ प्रोवाइडर में ईमेल, और जो फील्ड है ईमेल फील्ड उसके लिए ये वाला टेक्स्ट फील्ड आप यहाँ देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया बेसिक सेटअप। अब इसको रन करके देखते हैं कि ऐप हमारा रन हो रहा है कि नहीं। इसको मैं रीलोड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसमें मैं एक आईडी ऐड कर देता हूँ, जैसे raj@gmail.com, और पासवर्ड में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र का ईमेल एड्रेस आ गया, और ये लॉगिन हो गया, और रिडायरेक्ट भी इसको कर दिया उसने होम पेज पे। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यूज़र एक्चुअल में क्रिएट हुआ या नहीं। राज ऑथेंटिकेशन में आप जाएंगे फायरबेस में, तो raj@gmail.com यहाँ पे एनेबल हो गया, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कैसे एनेबल है, तो आप फायरबेस कंसोल में सबसे पहले जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपका आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि हमने पूरा सेटअप वहीं किया था, राइट। तो अगर बेसिक में आइडिया बता देता हूँ, जैसे ऑथेंटिकेशन में आपको साइन इन मेथड पे आना है, यहाँ से ऐड न्यू प्रोवाइडर करके ईमेल पासवर्ड आपको एनेबल करना होता है, ठीक है। ये एक बेसिक सेटअप आपको करना होता है। और हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में यूज़र्स एंड परमिशन में firebase@flutterflow.io को यहाँ पे किया था ऐड, ठीक है। ऐड मेंबर में फायरबेस को आपको ये ऐड करना होता है। ये दो चीज़ें आपको करनी है, और बेसिकली हमारा ऐप हो गया, साइन इन और साइन अप की फंक्शनैलिटी हमने इसमें एनेबल कर दी। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये जो ईमेल एड्रेस आ रहा है और लॉगआउट बटन ये कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको आना होगा अपने पेजेस में,
ठीक है, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे पेजेस के अंदर। और जो हमारा होम पेज है ये हमने क्रिएट किया था, तो ये जो कॉलम है इसमें ग्रिड व्यू एडेड है, इसमें एक हम रो ऐड करेंगे। ठीक है, ये रो हमने ऐड किया और इस रो को हम ऊपर लेके आएंगे। इस रो को मैं ऊपर लेके आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे इस रो के अंदर, जहाँ पे हम ईमेल एड्रेस प्रिंट करेंगे। और इसी रो के अंदर हम एक आइकन बटन लेंगे, ठीक है, आइकन बटन लेंगे, उसको हम बोलेंगे लॉग आउट। ठीक है, अब इसका डिज़ाइन आपको चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आइकन को ऐड करेंगे और मैं यहाँ से सर्च करूँगा लॉग आउट। ठीक है, ये लॉग आउट मैंने ऐड किया। अब इसको आपको अलाइन करना है राइट में, तो आप अलाइनमेंट में यहाँ पे राइट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपांशन अलाइनमेंट राइट करेंगे और एक्सपांशन में ये एक्सपांडेड विजेट यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस वो ऐड कर देगा। और यहाँ पे हमको ईमेल लिखना है, तो हम यहाँ पे ईमेल दे देंगे। ठीक है, अब ये जो ईमेल आ रहा है इसके लिए हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र में से हम ईमेल ले लेंगे, ताकि हमें जो ईमेल चाहिए यूज़र ने जिससे लॉगिन किया है वो हमारा इस ऑथेंटिकेशन सिस्टम में ऑथेंटिकेटेड यूज़र टेबल में वो एनेबल्ड है। ठीक है, इसीलिए हमने वो वाला यूज़र सिलेक्ट किया। अब इसको हम रन करके देखेंगे, इसको रीलोड कर देता हूँ मैं, न्यू सेशन करेंगे। जब तक ये ऐप रन हो, इसकी पैडिंग वगैरह हम थोड़ी सी प्रॉपर कर देते हैं। टॉप से मैं इसको 10 दे देता हूँ और लेफ़्ट से भी इसकी पैडिंग मैं एनेबल कर देता हूँ 10। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा बोल्ड कर देंगे, 18 कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी भी पैडिंग हम सेट कर देंगे राइट साइड से 10, टॉप से पैडिंग ऐड करना होगा 10 लाइक दिस। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यहीं पर ही दे रहा हूँ लॉग आउट बटन। अब इसका एक्शन हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है, इसके लिए आपको आना होगा एक्शंस में। यहाँ से हम ऐड एक्शन करेंगे, ऑन टैप इवेंट पे हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में आपको ये लॉग आउट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लॉगिन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हम लॉग आउट सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्शन टाइप हो जाएगा लॉग आउट का। ठीक है, अब देखते हैं रन हो रहा है ऐप। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम कोडजिप है, इसको रीलोड कर देता हूँ ताकि वो जो पैडिंग हमने ऐड किया ना बाद में वो भी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इसको लॉग आउट करके देखता हूँ मैं इस तरीके से। साइन इन साइन अप आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी ऐप को कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो यूआई पार्ट है ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे बॉटम में एक टैब ऐड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शंस देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रोफाइल सेक्शन रखेंगे जिसमें यूज़र की प्रोफाइल स्क्रीन आएगी, उसके अंदर हम ये लॉग आउट वाली चीज़ें और यूज़र का जो भी सेटिंग्स रहेगा कि उसको अगर नेम या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड चेंज करना है तो वो सब चीज़ें अपडेट कैसे होगी वो हम इस वाले स्क्रीन में देंगे। यहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन का एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे जिसमें नोटिफिकेशन के फीचर्स जो भी रहेंगे या कोई भी फायरबेस या कहीं से हम नोटिफिकेशन आएगा तो वो डिस्प्ले हो जाए एक स्क्रीन के अंदर। और ये हम एक होम टैब में डालेंगे ये वाला पार्ट, और यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे का सिस्टम हम ऐड करेंगे जिसमें कोर्सेज को वो बाय कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, तो इस सीरीज़ में आप ज़रूर बने रहे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। आई होप कि आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी और आपने भी ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऐप को कंटिन्यू करेंगे और इसमें और पेजेस ऐड करेंगे, जैसे नीचे एक टैब ऐड करेंगे जिसमें मल्टीपल स्क्रीन्स रहेगी, जैसे नोटिफिकेशन, प्रोफाइल स्क्रीन, तो यूज़र की प्रोफाइल स्क्रीन वहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले करेंगे हम उसका विजुअल अवतार, और OTP ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड किया जाता है फ्लटर फ्लो में, ये चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सीरीज़ में ज़रूर बने रहें और सपोर्ट करें थ्रू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।